तरह थोड़ी हलचल कम हो तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। बहुत बड़ा सवाल पूछा है आपने, सवाल सुना आपने। मैं चाहता हूं एक बार श्वेता फिर से पूछें ताकि वहां की हलचल। मैं ये कह रही हूं कि जब भी कोई कवियों का मंच सजता है उसमें एक लिरिसिस्ट, एक संगीत का, संगीत लिखने वाला, गाने लिखने वाला नहीं बैठता है वहां पर। मुझे लगता है कि आज के जो दुनिया के कवि हैं वो लिरिसिस्ट ही है, नहीं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे सिनेमा पिछले 80 सालों से विचार करता रहा है और साहित्य भी विचार करता रहा है। ये एक त्रासदी है, एक ट्रेजेडी है कि जो साहित्य की सभा होती है उसमें अक्सर गीतकारों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती। तो सबसे पहले तो मैं साहित्य आज तक का बहुत बहुत आभारी हूं। सुप्रिय जी जहां भी हों उनका आभार, मेरे दोस्त पालीवाल जी उनका आभार, मिस्टर पुरी और पूरा इंडिया टुडे जो ग्रुप है उसका आभार कि एक लिरिसिस्ट को साहित्य की महफिल में बुलाया। ये बड़ी घटना है, मामूली चीज नहीं है, बड़ी बात है। आम तो आप एक बार आज तक के लिए तालियां बजाएं पहले। और श्वेता, मुझे दुख इस बात का होता है कि गीतकार और कवि में या शायर में फर्क क्या होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो शायर बातें बड़े बड़े लफ्जों में कहता है वही थॉट, वही विचार हमें इतना यूजर फ्रेंडली तरीके से बोलना होता है कि वो लोकगीत बन जाए, कि वो सबको समझ में आ जाए। अब देखिए, तकरीबन 150 साल पहले मिर्जा गालिब कलकत्ता आए थे, पता है ना आपको? हाँ, तो वो शेर भी आपको याद ही होगा, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने, सुप्रिय जी नमस्ते, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, वो तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। तो जो चीज एक बड़ा शायर बड़े भारी अल्फाज में कहता है, एक गीतकार कोशिश करता है कि इसी को आसानी से कह दे। एक एग्जांपल देता हूं आपको, समझ पाएंगे आप। यूजर फ्रेंडली आपने कहा इसलिए मैं समझना चाहता हूं। बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। अगर आप दीवाने गालिब पढ़ें तो दीवाने गालिब का जो पहली गजल है पहले पन्ने पे, नक्श फरियादी है जिसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पे करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। नहीं समझे ना? बिल्कुल कोई बात नहीं, अब मैं आपको समझाता हूं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, समझ गए ना? दोनों बात एक ही थी। तो मिर्जा गालिब ने उस वक्त क्या कहा था कि तन्हाइयां मुझे इतना सताती हैं, इतना परेशान करती हैं, तुम्हारे इंतजार में दिन गुजारना इतना मुश्किल है जैसे पर्वतों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाना मुश्किल है, इतना तो इंतजार मुश्किल है तुम्हारा। एक फिल्मों का कवि जब उसके हाथ में कलम आती है, उसको सिचुएशन मिलता है, बड़ी विनम्रता से बड़ी मासूमियत से लिखता है कि तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। बात तो वही है, जब एक फिल्मी गीतकार के हाथ में कलम आती है, उसको मौका मिलता है अपने इस महान राष्ट्र के बारे में बात करने का, तो वो बच्चों की भाषा में इतनी सरलता से आपको आपका राष्ट्र गौरव याद दिलाता है, जो मैं मानता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं सारे साहित्यकारों की, कि बहुत सारे साहित्यकारों के लिए मुश्किल है। जब इंदीवर लिखते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, सच है कि नहीं है? ये श्वेता जी के उस सवाल का जवाब है। और बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा कि साहित्य की सभा में गीतकारों को सम्मान क्यों नहीं मिलता। इंदीवर लिखते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, आज आप दिखाओ वो स्पेस सूट पहन के मून वॉक आप कर रहे हो, सही बात है, लेकिन अगर हमने एक डेसिमल न दिया होता, एक दशमलव न दिया होता, तो कभी आप धरती और चांद का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते, चांद पर जाना छोड़ दो। नहीं, इसलिए तो मैं कहती हूं कि अगर देशभक्ति की कविताएं आप कहेंगे तो उसमें क्या है मेरे वतन के लोगों का कोई स्थान नहीं हो सकता है? ये गीत है तो इसीलिए उससे दूर रह जाएगा क्या? बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि अगर हम पूरे उसकी बात कर लें, पूरे समय काल की बात कर लें, तो ऐ मेरे वतन के लोगों या तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, ये दो ऐसी साहित्य की कृतियां हैं जो सबसे बड़ी कविताएं हैं देशभक्ति की। बहुत बहुत आभार, उस गीत को, तेरी मिट्टी को इन लोगों ने बड़ा किया है। मैं जो इसके पहले बात कह रहा था वो पूरी कर लेता हूं कि इंदिवर जब लिखते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, वो उतनी ही बड़ी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं जितना कि कोई भी बड़ा साहित्यकार करता। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई,
देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। फिल्मों का गीतकार आपकी जबान समझता है, आपका दर्द समझता है। जब आप देखते हैं जब जब फूल खिले, एक शिकारे वाला जो कश्मीर से मुंबई आता है और मुंबई में अपनी माशूका को, अपनी महबूबा को एक बॉलरूम डांस में कई पुरुषों के साथ डांस करता हुआ देखता है, उसकी जो तड़प है, मैं समझता हूं वो साहित्यकार से ज्यादा फिल्मी गीतकार लिख सकता था कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। सब फिल्मी नगमे हैं। बहुत फिर से सुप्री जी जैसे लोग हैं जो साहित्य आज तक की महफिल सजाते हैं, जहां ये समझते हैं कि शब्द साधक वो सिनेमा में लिखे, वो उपन्यास लिखे, वो नॉवल लिखे, वो किस्से लिखे, कहानी लिखे, वो सब बराबरी के लोग होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। अच्छा, ये तो अभी की बात है मनोज मुंतशिर, अब राष्ट्रवादी के तौर पर पहचान आपकी हो गई है, पर मैं तो आपको उस समय से जानती हूं जब मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, गलियां, वो धोनी की जो फिल्म थी जी, कौन जी, तुझे यूं प्यार करेगा, कहां चला गया लवर बॉय? अरे लवर बॉय कहीं नहीं चला गया, यहीं आपके सामने बैठा है, वो चली गई। आपने अभी इंस्टाग्राम पे डाला 26 साल एनिवर्सरी के हुए थे, जाने दीजिए उसके बारे में क्या। कितने पहले गई पहले कितने की पहले? बात है, मैं सचमुच लवर बॉय कहीं नहीं चला गया, वो चली गई, पापा की परी थी उड़ गई। अब क्या उसके बारे में बात करना, यहीं तक थी मेरी उसकी कहानी, दहक के हो चुकी है आग पानी। यहीं तक थी मेरी उसकी कहानी, दहक के हो चुकी है आग पानी, अधर में सारे सपने जा चुके हैं, निमंत्रण पत्र छपने जा चुके हैं, बजे बाजे सगाई हो चुकी है, वो लड़की अब पराई हो चुकी है। और पराई होके गई कहां, पता ससुराल का सखियों ने पूछा तो बोली वो महल जो सबसे ऊंचा। पता ससुराल का सखियों ने पूछा तो बोली वो महल जो सबसे ऊंचा, कोई इंजीनियर है वो सुना है जो मुझसे हैसियत में 10 गुना है। यार मेरा और आपका प्यार ना, हमारे मोहल्ले का जितना भी प्यार है वो ये डॉक्टर इंजीनियर उठा ले जाते हैं, है कि नहीं? सही कह रहा हूं तो हाथ उठा दो एक बार। कोई इंजीनियर है या इंजीनियर बैठे कोई जरा हाथ उठाए। तुम ही लोग ले गए हो पता नहीं कितनों की मोहब्बतें। कोई इंजीनियर है वो सुना है जो मुझसे हैसियत में 10 गुना है, बड़ी कोठी है, लंबी कार भी है, किसी मंत्री का रिश्तेदार भी है। मेरी छोटी सी दुनिया में वो रहती तो मेरे जैसे ही दुख दर्द सहती, मिली हर चीज जो थी उसके काबिल, मैं देता भी तो क्या मामूली सा दिल। के दिल विल से रिहाई हो चुकी है वो लड़की अब, हथेली पर। अच्छा ऐसा नहीं है कि पराई होने के पहले मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत तो बड़ी अच्छी वाली की, और तब तो लगा कहीं जाएगी नहीं। हथेली पर वो मेरा नाम लिखती, हजारों बार सुबह शाम लिखती, कोई धुन गुनगुना के झूम लेती, वो अपने हाथ खुद ही चूम लेती, मगर इसमें तो कोई शक नहीं है, मोहब्बत मुफलिसों का हक नहीं है। गरीबों को प्यार नहीं मिलता, मगर इसमें तो कोई शक नहीं है, मोहब्बत मुफलिसों का हक नहीं है, वो उंगली जब मेरे हाथों से छूटी, पहन ली उसने हीरे की अंगूठी। हथेली वो पिया से जा जुड़ी है, सुना मेहंदी बड़ी गहरी चढ़ी है,
बड़ी लंबी जुदाई हो चुकी है श्वेता जी, वो लड़की अब पराई हो चुकी है। कुछ कह रहे हैं आप, कहिए। समझ रहे हैं आप मुझे आवाज, आप बहुत दर्द। अरे यार, दर्द के सिवा है क्या भाई? सुनो, सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लोग दाद दे रहे हैं या आह क्या कर रहे हैं, आह भर रहे हैं सर? देखिए दोनों। अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छा लगा जब आपने पूछा कि गालिब कोलकाता आए थे, आपको पता है? उन्होंने कहा आए होंगे। हम नहीं, तो नहीं। देख रहे हैं कि मनोज मुंतशिर आ जाए हैं यहाँ। गालिब आए थे और गालिब ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। गालिब ने बोला था, अगर मैं बैचलर होता, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो यही बंगाल में रह जाता। उनको बंगाल इतना अच्छा लगा था। एक और बात उन्होंने सच्ची बात कही थी कि बंगाली टाइम लाइन पे 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी जीते हैं। सारे बंगालियों के लिए तालियां बजाएं आप। भैया, इसको कोई वेस्ट बंगाल कहे, मैं तो बेस्ट बंगाल कहता हूं। आज महाशिवरात्रि का त्योहार भी है और मनोज मुंतशिर अचानक शुक्ला क्यों लगाने लगे नाम के पीछे? नहीं, अचानक नहीं, मैं तो शुक्ला था। नहीं, लगा पहले आपका नाम कभी भी, अगर अब कैसेट तो बहुत दिनों से आए नहीं, लेकिन उस पर भी अगर लिखा रहता था तो मनोज मुंतशिर लिखा रहता। क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे नाम पे, मेरे सरनेम पे इतने सवाल उठाए जाएंगे। मैं तो एक ऐसे हिंदुस्तान में, मैंने आंखें खोली, एक ऐसे हिंदुस्तान में लिखना सीखा जहां आमतौर पे अगर आप मनोज हैं, शुक्ला हैं, मुंतशिर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को। लेकिन मैंने अचानक देखा कि जब से मैंने राष्ट्रहित में आवाज बुलंद करनी शुरू की, तब से मेरे ऊपर बड़े पत्थर पड़ने लगे कि खुद तो मुंतशिर हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुमने अपना नाम छोड़ दिया शुक्ला। अरे, शुक्ला नाम छोड़ा नहीं था मेरे पासपोर्ट पे, मनोज मुंतशिर शुक्ला पहला पासपोर्ट जिस दिन बना था 2001 में बना था, 2001 से आज तक वही नाम है। छोटा कर दिया था खाली कि ठीक है मनोज मुंतशिर से ही। लेकिन अब जब मुझे लगा कि वापस शुक्ला होना जरूरी है तो मैं शुक्ला हो गया। यार, नाम था एक, मुंतशिर का मतलब जानते हो ना आप, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, पता है ना? नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा, और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। पर महाशिवरात्रि का पर्व है और मनोज मुंतशिर शुक्ला महाशिवरात्रि के, मैं तो ये देखती हूँ ना, आप प्रेम में भी वीर रस ले आते हैं आप। नाराजगी? हाँ, नाराजगी तो नहीं, नाराजगी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि वीर रस में प्रेम कौन पड़ता है, बताइए। देखिए, प्रेम के साथ वीर रस ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं जुड़ा रहा है। इसे आप वीर रस कह लें, या जब आपकी मोहब्बत ये जमाना छीन लेता है और फिर आपसे कोई कहे काम डाउन, लेट इट बी, शी वॉज जस्ट अ गर्ल, लेट हर गो, तो भैया बड़ी तकलीफ होती है, इतना आसान नहीं है मूव ऑन हो जाना, है क्या? ये जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं ना, हमें तो अच्छा, मेरे पिताजी मेरी काउंसलिंग किया करते थे, मुझसे कहते बेटा तुम वो गीत सुनो, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, भूल जाओ उसको। मैं उनसे कैसे कहता कि तुम तो वैसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। इतना आसान है मूव ऑन हो जाना, इतना आसान है किसी को भुला देना जिसके साथ आपने सपने देखे हो जिंदगी गुजारने के, ऐसे भूल जाओ। अच्छा, एक बार आप चलिए बहुत बड़े 30 मार खा निकले, आपने उसको मूव ऑन कर भी दिया, आप आगे बढ़ भी गए, तो भाई साहब एक सच ये है कि सब बाहर का दिखावा है, कि बाहर से तो कब का तुझे रुखसत भी कर दिया, मैं क्या करूं अंदर से मेरे तू नहीं जाती। कि यही तो होता है दोस्त, तुम्हारा दर्द बोल रहा हूं मैं, सुनना। कि बाहर से तो कब का तुझे रुखसत भी कर दिया, मैं क्या करूं अंदर से मेरे तू नहीं जाती, 10 बार धुल चुका हूं मैं वॉशिंग मशीन में, पर मेरी शर्ट से तेरी खुशबू नहीं जाती।
कहां भूल सकते हैं आप प्यार में जब किसी को एक बार चाह लिया तो। और आपने बोला वीर रस, मैं समझता हूं कि वीर रस का जो पहला एग्जाम्पल है मोहब्बत में वो दुनिया की पहली प्रेम कहानी से आता है। और मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की पहली प्रेम कहानी कौन सी है तो आप क्या नाम लेंगे? इतनी बढ़िया ऑडियंस मुझे जिंदगी में आज तक नहीं मिली। हर हर महादेव, पार्वती पतये हर हर महादेव। आप याद करना जब दक्ष के हवन कुंड में भगवान शंकर का प्रेम भस्म हो गया, स्वाहा हो गया गिर के, तो क्या भगवान शंकर उस वक्त मूव ऑन कर गए? भगवान शंकर का क्रोध याद करिए, सती का शव उठाया और जो रौद्र तांडव शुरू किया है, आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा। हमें अगर गुस्सा आता है ना मोहब्बत खोने पे, तो कहना जब तुम्हें कोई समझाए कि भाई तुम नाराज क्यों रहे हो, क्योंकि हमारे भोलेनाथ भी हुए थे इसलिए हम भी होंगे। आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा, मरघटों का देवता हूं शिव हूं मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक हर हर महादेव, मरघटों का देवता हूं शिव हूं मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक सृष्टि है टूट के कोई न रोए प्यार में, रक्त टपका यदि प्रणय की आंख से तो प्रलय होगी सकल संसार में। खोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर, कंठ में जो रोक रखा था युगों से विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर। हर हर महादेव। खोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर, कंठ में जो रोक रखा था युगों से विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर, तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की और धरा का घूमना भी रोक दूंगा, जिस अग्नि में जल गई तुम आज प्रियवर, मैं उसी अग्नि में ये जग झोंक दूंगा। तो प्यार खोना उसे बर्दाश्त कर जाना आसान थोड़ी है दोस्त। क्या कह रहे हैं आप? मिशन मजनू, हां आपने तो रस ही बदल दिया, आप भोलेनाथ से डायरेक्ट मजनू पर लौटते हैं, मिशन मजनू पे भी आते हैं दोस्त। थैंक यू आपको वो गाना मुझे, याद मुझे लगता है जिस प्रश्न से हमने शुरुआत की थी, एक गीतकार बनाम कवि, जो कि कोई कंपटीशन नहीं है, वो कविता ही कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनोज मुंतशिर गीतकार हैं, एक प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए, उसके हिसाब से गीत लिखने के लिए, लेकिन एक दूसरा मनोज मुंतशिर भी है जो अपना दायित्व देख रहा है समाज के प्रति, और उस वजह से वो शिव पार्वती की कहानी फिर सुनाता है। बिल्कुल, और ये दायित्व देखना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब आपके हाथ में कलम दी जाए तो आप कलम को लेकर कभी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनको लिखने पढ़ने का शौक है? हाथ उठाएं एक बार। अरे वाह, क्या बात है, मेरा भारत, नया भारत ऐसे ऐसे लेखक पैदा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तालियां बजाओ अपने लिए। आपको पता है चिंपैंजी में, जो कि बंदर की प्रजाति है, चिंपैंजी में और इंसान में तकरीबन, ये मेडिकल साइंस कहता है और बायोलॉजी कहती है कि 40 लाख सालों का इवोल्यूशन है। और फर्क क्या है चिंपैंजी में इंसान में? चिंपैंजी सब कुछ इंसान जैसा कर सकता है, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, पूरी की पूरी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंसान की तरह है। एक अंतर है, ये तर्जनी और ये अंगूठा देख रहे हैं, ये तर्जनी और ये अंगूठा, ये चिंपैंजी मिला के एक नहीं कर सकता, यानी बंदर कलम नहीं पकड़ सकता। इंसान ने 40 लाख साल इवोल्यूशन झेला है कलम पकड़ने के लिए। तो 40 लाख साल के इवोल्यूशन के बाद अगर आपके हाथों में कलम आई है तो क्या आप समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? आप क्या करते रहेंगे? आप सिर्फ जुल्फों पे, गालों पे ऐसे बताइए। और ये शोहरत के लिए ठीक है, लेकिन आपको समाज के लिए दायित्व तो निभाना पड़ेगा। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए, ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या? शोहरतें भी हैं जरूरी, लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या?
कभी ऐसी स्थिति आई है कि आप नहीं चाहते हो और सिचुएशन ऐसा दिया जाए मनोज इस पर लिख? नहीं, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं और मैं ये बात बिल्कुल लाज में इतने बड़े मंच पे और इतने बढ़िया सुनने वालों के बीच में बैठा हुआ हूं, मेरी आवाज यहां से लेके मेरी फिल्म इंडस्ट्री तक जा रही है, जो सिचुएशन, जो गीत, जो फिल्म मेरी धारणाओं के अनुरूप नहीं होगी, मनोज मुंतशिर की कलम कभी उस पर नहीं चलेगी। मनोज कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री बंट गई पिछले कुछ सालों में जी, क्योंकि अभी तक एक तो सोशल मीडिया नहीं था, लोग अपनी राय रखते नहीं थे, अब राय रखने लगे तो पता चला अच्छा एक धड़ा ऐसा सोचता है, एक ऐसा सोचता है। क्या वाकई बंटी है? क्या मनोज मुंतशिर अगर राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, अगर धर्म की बात करते हैं, तो क्या कुछ लोग हैं जो जिन्होंने इनकार किया है कि हम काम नहीं करेंगे इसके साथ? देखिए, पहली चीज तो ये कि पूरी दुनिया बटी हुई है, पूरा देश बटा हुआ है, हर सेक्टर बटा हुआ है, और ये अच्छी चीज है, मैं इसको कुछ बुरा नहीं मानता। अगर मैं और आप अलग सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपना सोचें, मुझे अपना सोचने दें, हम तर्क कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी मान लो, मैं आपकी मान लूं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप मुझे खामोश करवाना चाहते हो, तो खामोश तो मैं होने से रहा, चुप तो करवा नहीं पाओगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं कहती, और मैं बोलता रहूंगा, मैं उस महान राष्ट्र के लिए बोलता रहूंगा जिसका शजरा आप देखते हैं तो लाखों वर्षों पुराना है, मैं उस देश के लिए बोलता रहूंगा जिसका इतिहास इतना उज्जवल, इतना सुंदर, इतना दैदीप्यमान है कि अगर आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से भर 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 आंसू बहने लगेंगे, ऐसी हिस्ट्री है हमारी। लेकिन इस देश को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया गया है पिछले कुछ सालों में कि हम तो पद्दलित हैं, हमारा कोई आत्मगौरव नहीं है, हम पे तो जो भी आया, चाहे वो फ्रांसीसी आए हमें रूल करके चले गए, पुर्तगीज आए हम पे रूल करके चले गए, अंग्रेज आए रूल करके चले गए, मुगल्स आए हम पे रूल करके चले गए, देखिए भैया ऐसा है नहीं। आप एक छोटे से वक्फे को, ठीक है हमारी कमजोरी का 100-200 साल रहे होंगे वो हम मानते हैं, लेकिन उससे आप क्या डिस्काउंट कर सकते हैं कि 10,000 सालों की जो रिटन हिस्ट्री हमारे पास है? देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे, ये भूल तो नहीं सकते ना आप के कौन हैं आप, आपका आपका शजरा, आपके तार कहां से जुड़ते हैं, कैसे महापुरुषों की संतानें हैं आप। देख, मैं सिर्फ इतना याद दिलाता हूं कि आप कौन हो, मैं कुछ गलत नहीं कहता, कोई एजिटेशन नहीं, सिर्फ इतना, जो लोग यहां बैठे हैं इनको अधिकार है ये जानने का, इनको हक है ये जानने का कि आते कहां से हैं। और जो इनका लोग जो कहते हैं कि जला दो रामचरितमानस, प्रतिबंधित कर दो उसकी पंक्तियों को, क्या किसी और उत्तर की जरूरत है? जो लोग कहते हैं कि रामचरित, तो इस सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, इस सवाल का जवाब आपने दे दिया कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो पुस्तकों को संभालते हैं, पुस्तकों को प्यार करते हैं, और दूसरे बख्तियार खिलजी जैसे जो पुस्तकों को आग लगाते हैं, धर्म ग्रंथों। तो हम बख्तियार खिलजी की औलादे नहीं हैं, हम भगवान श्री राम की औलादे हैं, और यह हमको याद है। और जो परिचय अधूरा रह गया था वो परिचय दे देता हूं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। अभिमन्यु के लिए तालियां बजनी चाहिए। आप जैसा एक नौजवान जिसको पता था कि मैं चक्रव्यूह में जीवित प्रवेश करूंगा पर जीवित वापस नहीं आऊंगा, फिर भी उसने यूटर नहीं लिया, उसने बहाना नहीं ढूंढा, घुस गया चक्रव्यूह में और 25 महारथियों को बार के बाहर निकला है। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके नाम के पत्थर पानी में तैर गए। जय जय श्री राम। हम
हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हम मारना भी जानते हैं साथियों और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। आज से 100 साल पहले कहा जाता था कि महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। नया भारत देखो, आज कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत। भारत माता की वंदे वंदे। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया। यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। जय। एक बात आपको मैं बता दूं, अगला सवाल श्वेता जी पूछे, भारत माता की जय आप कहते हैं, क्या आप जानते हैं भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत और ये साहित्य आज तक एक ऐसा मंच है जहां से विचारों का प्रवाह होता है। मैं चाहता हूं आज यहां मैं बोल के जाऊं, भारत शब्द का अर्थ इंडिया नहीं है साथियों। भारत दो धातुओं को मिला के बनता है संस्कृत की, भा और रत। भा का मतलब है प्रकाश, जहां भी भा आता है प्रकाश के अर्थों में आता है, जैसे आभा मतलब उजाला, भानु यानी सूर्य, भास्कर यानी सूर्य, प्रभात यानी सवेरा। हर जगह भा है और हर जगह प्रकाश है। रत का मतलब लगा हुआ, जुटा हुआ, शिक्षा रत, साधना रत, तपस्या रत। तो जो प्रकाश की खोज में रत है वही मेरा और आपका भारत है। तो आज के बाद जब आप कभी भारत माता की जय के नारे लगाएं, और लगने ही चाहिए, तो भारत शब्द का अर्थ एक जय 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 मातरम। देखिए आपने वंदे मातरम का जयघोष किया यहां, और मैं कलकत्ता में बैठा हुआ हूं। वंदे मातरम की उत्पत्ति इस धरती से हुई है, इस पुण्य धरा को मेरा प्रणाम। मुझे श्वेता बहुत तकलीफ होती है जब इस देश में कोई ये कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे, हर धर्म का, हर मजहब का इतना आदर हम सबके मन में होना चाहिए कि कोई भी ऐसा रिलीजियस सिंबल ना हो जिसके आगे आपका सर ना झुका हो, कहीं से भी आए। लेकिन लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। तो जब आप ये कहते हैं कि आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो शायद शायद आप राष्ट्र धर्म की अवहेलना कर रहे हैं उस वक्त। और क्यों नहीं बोलेंगे यार, आप कहते हैं हमारा मजहब नहीं कहता, हमारा जो रिलीजन है हमें इससे इनकार करता, और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। भैया संविधान में तो यह भी नहीं लिखा है कि आप किस तरह के कपड़े पहने, आप जूते पहने या चप्पल पहने। तो क्या हर चीज संविधान में लिखे से होनी है या श्रद्धा से भी कुछ होगा तुम्हारे यहां? जब जब इस धरती पे सबका बराबर हक है तो हर कोई वंदे मातरम क्यों नहीं कहेगा? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? वंदे वंदे। मुझे ऐसा मंच याद नहीं आ रहा है जहां पर शुरुआत आह और दाद के साथ हुई थी, फिर हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगे हों, और फिर भारत माता की जय के नारे लगे हों। अब आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, प्रेम रस, वीर रस, वो जो खाचों में कविता और साहित्य बटा करते थे, वो बटा करते होंगे। आज ऑलराउंडर कवि यहां पर मंच पर है हमारे साथ। थैंक यू। ये सब इनकी महिमा है। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए।
इस दुनिया में कोई भी वक्ता अपने श्रोता से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप मुझे बड़ा कह रही हैं तो आप इनडायरेक्टली उनको बड़ा कह रही हैं, मैं उनकी वजह से बड़ा हूं। नहीं पर श्रृंगार रस पे लौटे क्या? वो आह अधूरे तो नहीं रह गए थे कहीं सबके? क्योंकि जो गई छोड़कर जिसकी वजह से आपने वो सब कुछ लिख डाला, वो अगर सामने आ जाए तो मनोज मुंतशिर क्या कहेंगे? अगर वो सामने आ जाए श्वेता, तो मैं उससे पूछूंगा कि वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? जब मुझे देखती हो टीवी पर, अपने बच्चों को क्या बताती हो? अच्छा, एक बात बताऊं, मैं मुझे अभी भी पता चला है उसके बच्चे मेरे फैन हैं। अच्छा, मुझे छोड़ा क्यों गया था ये पता है आपको? अच्छा, मैंने रिजेक्ट होने में पीएचडी की हुई है। अच्छा, किसी ने किसी वजह से छोड़ दिया, किसी ने किसी वजह से छोड़ दिया। वसीम रणवीर साहब का बड़ा अच्छा शेर था कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। श्वेता, मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मुझसे पूछा कॉलेज में कि अब क्या करोगे। कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई मेडिकल करेगा, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई एमबीए के लिए ट्राई कर रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, तुम क्या करोगे? मैंने कहा देखो भैया, मैं फिल्मों में जाऊंगा, गाने लिखूंगा। कहानी खत्म, फुल स्टॉप। पापा की परी उड़ गई यहीं से। और अच्छा, तुम गाने लिखोगे? उसके बाद फोन आना बंद, फोन लेना बंद, चिट्ठियों के जवाब आने बंद। अब मैंने चिट्ठी की बात की तो आप सबको लगता होगा भैया कौन से युग के हैं कि चिट्ठी लिखा करते थे, पर हाँ, हमारा प्यार चिट्ठियों वाला ही था। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो फोन लेना बंद हो गया और मैं तड़पता रह गया। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, सिर्फ 5 मिनट, आगे टाइमर चल रहा है यहां। अरे भैया, आज तक हमको हटा देगा, इसके पहले बात खत्म कर लेते हैं। अच्छा, कहानी तो सुन लो। कहानी नहीं सुनोगे? सुन लो ना कहानी एक बार। तो श्वेता, हुआ क्या कि चिट्ठी पत्री बंद, फोन बंद, और मैं तड़पता रह गया। और मैं दिन रात सोचता कि वक्त, दुनिया, समाज या हालात कौन है जिससे इतना डरती हो? वक्त, दुनिया, समाज या हालात कौन है जिससे इतना डरती हो? उंगलियों पर हैं बंदिशें किसकी, क्यों मुझे फोन नहीं करती हो? मैं अब भी एक आवाज पे आ जाऊंगा खिंचकर, ढूंढो कोई बहाना, बुलाओ तो किसी रोज, 9, 8, 205 और आखिर में 607 नंबर वही है मेरा, मिलाओ तो किसी रोज। पर नंबर ही नहीं मिलाया। नंबर इसलिए नहीं मिलाया कि अरे ये तो नकारा है, ये तो बेरोजगार है, ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। और हमने क्या किया, जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है, जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पे खड़ा है। मेरी प्यारी बहनें यहां बैठी हुई हैं, किसी को इसलिए मत ठुकराना कि उसकी जेब फटी हुई है। तुमने ढूंढ ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। मोहब्बत मोहब्बत मुफलिसों का हक नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोहब्बत एक मुफलिस कर सकता है, कोई दौलत वाला क्या करेगा? मुझे लगता है
टूटे हुए दिलों के सबसे बड़े प्रवक्ता मनोज मुंतशिर। अच्छा देखिए, जो फरमाइश आ रही है वो आप कर ही दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, वो तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी। आखिर के दो मिनट है, मैं खड़ा हो जाऊं अगर आप इजाजत दें। जरूर। सुप्रिया जी, बहुत अच्छा किया आपने बुलाया। ये अगर मैं मिस कर जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। क्या क्या लोग, क्या प्यारे प्यारे दोस्त मेरे। तेरी मिट्टी का आपने जिक्र किया साथियों, तेरी मिट्टी कुछ बहुत आवाजें हैं, मैं मुझ तक नहीं पहुंच रही है। तेरी मिट्टी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तेरी मिट्टी पे आता हूं। तेरी मिट्टी से पहले मैं आपको एक बात बता दूं खाली, कि जब वो फिल्म जिसकी सिचुएशन मुझे दिखाई गई, तो मैं खाली तेरी मिट्टी लिखने के पहले मेरे जहन में ये आया कि अगर एक सिपाही अपना डेड लेटर लिखता है, आपको पता है ना कि सोल्जर्स डेड लेटर लिखते हैं पोस्ट पे जाने के पहले और वॉर फ्रंट पे आने के पहले एक डेड लेटर लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मैं इस जंग से वापस ना आ पाया तो मुझे किससे क्या कहना है, वो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। वो डेड लेटर तेरी मिट्टी की बुनियाद था। क्या था वो लेटर, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। एक मिनट, डेढ़ मिनट है, इसके पहले खत्म हो जाएगा। कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, और ये इस देश के हर सिपाही को समर्पित है, हर फौजी को समर्पित है, भारत मां के हर बेटे को समर्पित है। कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलके बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी, क्या करूं, खत्म हो गया ये, बस दो मिनट में खत्म करता हूं मैं। मेरी छोटी बहना, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, वरना मैं एक एक लाइन के बीच में आधे आधे घंटे बोल सकता हूं। मेरी छोटी बहना, उसे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, दो घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था, उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ऐ मेरी जमी, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी, महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरजू। वंदे भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज, यहाँ पर आने के लिए मंच पे। और देखिए प्यार लोग लुटा ही रहे हैं, एक स्केच बनाकर आपका वहां पर खड़े हैं। वो चाहिए मुझे।